फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर सोनाक्षी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज का वीडियो होने वाला है एक रिव्यू वीडियो। तो किस बारे में होने वाला है, तो वो टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ ना, पहले मुझे जो प्रॉब्लम हो गई थी उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आप सबसे पहले बहुत पहले से डिस्कस कर रही हूँ कि मुझे जो है हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा मतलब वरिड हो गई थी अपने बालों के लिए कि जिस तरीके से मेरे बाल झड़ रहे हैं, कहीं मैं ऐसा ना हो कि जल्दी ही गंजी हो जाऊँ, मतलब एक भी बाल जो है मेरे सर पर ना रहे। सो लेट मी टेल यू कि मेरा जो हेयर फॉल है वो क्यों हो रहा था। मेरा जो हेयर फॉल है, जैसे कि आप सबके साथ मैंने बहुत पहले से जैसे डिस्कस किया ही हुआ है, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो तो मैं हर चीज़ आपसे डिस्कस करती रहती हूँ। तो मेरा हेयर फॉल जो है ना, यहाँ पर एक तो पानी की प्रॉब्लम, जो यहाँ का पानी है वो इतना ज़्यादा है, मतलब बुरा है कि उससे तो मुझे दांतों में मतलब ब्रश करने में भी डर लगता है, तो फिर बालों को धोने में तो डर लगना ऑब्वियस है। तो यहाँ के पानी का TDS बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस वजह से जो है मैं यहाँ के पानी को बालों के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। पहले यूज़ करती थी तब मेरे बालों की तो बिल्कुल बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, एकदम फ्रीजी बाल हो गए थे मेरे। पर अभी जब से मैंने जो वाटर कैन वाला पानी यूज़ करना स्टार्ट किया है ना, तो मेरे बालों में थोड़ा सा डिफरेंस आया, क्योंकि ऑब्वियस है यार, पानी अगर हम चेंज करेंगे तो इससे बहुत इम्पेक्ट पड़ता है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहे थे जैसे कि आने चाहिए थे। तो फ्रेंड्स, एक महीने पहले जो है मैंने एक क्लिप देखी थी जिसके अंदर बता रहे थे कि कैरेट सीड हेयर, और मतलब कैरेट सीड जो होते हैं उनके क्या क्या फायदे होते हैं। कैरेट सीड जो है हमारे बालों को मजबूत बनाता है, हेयर फॉल प्रॉब्लम को कम करता है, बालों को सिल्की बनाता है, शाइनी बनाता है, स्मूथ बनाता है, और जो फ्रीजीनेस होती है उनको कम कर देता है। तो इतने सारे फायदे सुन के मैं तो अमेज्ड हो गई थी, बिल्कुल बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। और मैंने जल्दी से मतलब इसके ऊपर और रिसर्च किया कि कैरेट सीड जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है। तो कैरेट सीड में होता है विटामिन ई और अल्फा बीटा एंड गामा कैरोटीन्स एंड कैरोटीनॉइड्स, जो कि हमारे बालों को स्मूथ बनाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि कैरेट सीड के क्या क्या फायदे हैं, हमारे बालों पर किस तरीके से वर्क करता है। तो मैंने और रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो मुझे मिला न्यूट का कैरेट सीड हेयर ऑयल, प्रीमियम कैरेट सीड हेयर ऑयल, और इसको मैंने 30 डेज के लिए यूज किया। गाइज, आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि मेरा जो हेयर फॉल था वो 70% तक कम हो चुका है, और अभी भी मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा होगा जब मेरे बाल जो है बिल्कुल झड़ना बंद हो जाएंगे और मुझे इसके अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। इसीलिए मैं ये आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आप भी हेयर फॉल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो आप भी इस हेयर ऑयल को यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको हेयर ऑयल जो है वो दिखा देती हूँ। ये है वो हेयर ऑयल, न्यूट का कैरेट सीड हेयर ऑयल, जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये 300 ml की पैकेजिंग है, जो कि 500 rupees की आती है, और आप इसको Amazon, Flipkart या फिर न्यूट की ऑफिशियल साइट से भी खरीद सकते हो, और आपको जो है कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप Amazon, Flipkart और न्यूट की ऑफिशियल साइट से इसको खरीदोगे तो। लेकिन इसकी MRP इस पे 500 शो की हुई है। और ये जो प्रोडक्ट है वो केमिकल फ्री है, पैराबेन फ्री है और ISO सर्टिफाइड है। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। कैरेट सीड ऑयल है, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट है, विटामिन ई है, वीट जर्म ऑयल है, आलमंड ऑयल है, ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट है, ऑलिव ऑयल है, भृंगराज है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, सनफ्लावर ऑयल है, सेसमे ऑयल है और कैस्टर ऑयल है। तो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पे भी शो कर देती हूँ। देखिए, इस तरीके से आपको इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शो हो रहे होंगे, और इस तरीके से जो है इसकी क्यूट सी बॉटल जो है हमें प्रोवाइड की गई है। और ये बहुत ज़्यादा छोटी सी बॉटल है, मतलब कि अच्छी कॉम्पैक्ट साइज में है। तो आप जो है इसको ट्रेवल फ्रेंडली है, आप कहीं पर भी जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो इसको ले जा सकते हो। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, इस हेयर ऑयल को यूज़ करते हुए मुझे 30 डेज हो गए हैं, और मैं यहाँ पर आपको क्लिप जो है शो कर दूंगी हेयर ऑयलिंग की, रेगुलरली जो मैंने हेयर ऑयलिंग की है और कितने अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं Day 1 का और Day 30 का। मैं आपको शो कर दूंगी यहाँ पर कि मेरा जो है हेयर फॉल कितना ज़्यादा कम हुआ है।
जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे बाल जो थे एकदम रफ थे, फ्रीजी थे और बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे लगते थे जैसे कि जब भी मैं कंघी करती थी तो मेरे जो बाल है ना उसमें बहुत ज्यादा जो है मतलब बाल आ जाते थे। लेकिन आज देख रहे हो बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा है, और हो सकता है एक आधा बाल आए भी तो 70% हेयर जो प्रॉब्लम है मैं आपको बोल रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कम बाल हो जाते हैं मतलब आ जाते हैं, लेकिन वो तो नॉर्मल है। लेकिन आप मैं देख रहे हो कि मैंने कितनी बार अपने बालों में हाथ मारा और देखो कुछ भी नहीं आया है मेरे हाथों में, तो मेरा हेयर फॉल जो प्रॉब्लम है ना बहुत ही हद तक कम हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको शो किया तो हेयर फॉल तो बस ना के बराबर हो गया, मतलब 70% तक रिड्यूस हो गया है। ऑब्वियसली मैंने हेयर ऑयल के साथ में हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज को भी अपने रूटीन में जो है एड ऑन किया था, तब जाके मुझे जो है ये रिजल्ट मिले हैं। मैंने अपने डाइट में हेल्दी जूसेस को जो है रखा था, जो कि मैं आपके साथ में अगली वीडियो में शेयर करूंगी कि मेरा जो हेयर फॉल प्रॉब्लम था उसमें मैंने अपनी डाइट को किस तरीके से प्रॉपर किया था वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में शो करूंगी। तो सिर्फ ये हेयर मतलब कि हेयर ऑयल के साथ में आपको अपनी डाइट के ऊपर भी जो है पूरा ध्यान रखना है, तभी आप जो है अपने बालों को जो है टूटने से रोक सकते हो। बट स्टिल आई मस्ट से ये हेयर ऑयल ने मुझ पे जादू की तरह काम किया है। बहुत सारे हेयर ऑयल मैंने यूज़ किए जो कि कोई भी कमाल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस हेयर ऑयल ने मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया है। सो मैंने तो ले लिया है चैलेंज से नो टू हेयर फॉल विद न्यूड, और आई हैव बीन सुपर इम्प्रेस्ड कि इस जो प्रोडक्ट है इसने मेरे ऊपर बहुत ही अच्छे से वर्क किया है। तो अब बारी है चैलेंज लेने की आपकी। सो जस्ट चेक आउट द परचेजिंग लिंक्स बिलो एंड ऑर्डर नाउ। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।